ईद मुबारक हो फ्रेंड्स आप सबको। और ये है सिवाय सबसे पहले आप सबके लिए ये लीजिए। इतना हाय बोल दो। हाय बोल दो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप मुझे देखते हैं तो मुझे सुकून बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आप सबको। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है ईद की सफाई से। मैंने झाड़ू पोछा सब करने के बाद मैंने कहा कि उसके बाद हम किचन में जाएंगे, तो हमारा एक काम हो गया, हम आ गए किचन में। तो फ्रेंड्स बन रही हैं सेवैयाँ, सब्जी बना रही हैं, मुझे भी फल लग रही है, इनको भी कोल हो रखा है। और अभी के बताओ तो फ्रेंड्स अब बनके तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए हमने बनाई है छोले की चटनी, मीठे छोले की चटनी है। और ये है चटपटे वाले छोले, देखो वाह। उसके साथ ये प्याज हम लोगों ने चॉप करके रख दी है, और ये सब रख दिया मैंने। ये है ड्राई फ्रूट और ये है इसकी फेवरेट। और ये देखिए ये सब ड्राई फ्रूट है, इसको फ्राई करके रख दिया है। और ये है दही बड़े, और ये बनाया अम्मी की फरमाइश पे खजरा। और ये सब्जी है इसके अंदर, ये रोटी है, और ये है चावल। तो दोपहर तक इंतजाम होगा, तो दोपहर तक का इंतजाम हो गया गाइस। अब हमारी भी हालत खराब हो गई, अब हम जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। ये देखो मैंने ये पहना है सूट, ये वाला। वो सूट नहीं पहना क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, इस वजह से मैंने ये कैरी कर लिया। तो मैं अभी पूरी तैयार नहीं हुई हूँ, नमाज पढ़ने के बाद मैं तैयार होंगी, तो मिलते हैं नमाज के बाद। सो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार। ये है मेरा लल के झुमके, देखो प्यारे से झुमके हैं, ये है वाह। देखो 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 नीचे तक ये मैंने पहना ही, और ये है। तो चलो चलते हैं नीचे, हम इसे मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप अल्लाह आपकी जाए पूरी मुबारक। सही रहो, तंदुरुस्ती सही रहे, मोटे हो जाओ पहले की तरह। हाँ वो कह रही थी बीमारी सब दूर हो जाए पापा की, और दाल खा जाए आ जाएंगे और ये क्या कहते हैं अब एनर्जी आ जाए दाल से, पापा जब तक और एनर्जी नहीं है पापा के लिए। फिजान तुम्हारी ईदी, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम, दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिए अपना। और मिलते हैं, अब हम जा रहे हैं सिवाय खाने के बाद सिस्टर के यहाँ पे, तो वहाँ मिलेंगे। वहाँ हमारी क्या है बुलाया है, ईद पे ईदी मिलने वाली है, ईद का इनविटेशन है, इनविटेशन है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर, ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो हम लोग जा रहे हैं फिरदौस के यहाँ पर, देखो हम लोग जा रहे हैं, इनविटेशन है ईद का। वाओ अम्मी भी आ रही है ना? नो, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो बहन, सब आए हुए हैं देखो। हेलो, ये बस वीडियो के लिए करते हैं। ईदी तो मिलेगी, वो तो वो देंगे अभी टाइम, सब्र कर लेंगे।
हेलो गाइस, आज हम करेंगे नाश्ता। गाइस हेलो, हेलो गाइस, नाश्ता कर रहे हो? यस। सो फ्रेंड्स, आज है ईद का दूसरा दिन और ये मेरा व्लॉग कंटिन्यू है और आज हम जा रहे हैं, जो मेरा छोटा सा प्लान था ना गाइस, मैंने बच्चों के लिए सोच रखा था कि मैं कुछ करने वाली हूँ, उसके लिए आपको पूरा देखने के लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि वो आइडिया मेरा क्या है। तो चलो चलते हैं वहां पर बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग आ गए हैं, ये मेरा छोटा सा आइडिया था, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बच्चों के लिए छोटी सी स्माइल देखना चाहती थी मैं बच्चों की। तो आओ हम आ गए हैं इस गांव में, ये छोटे छोटे देखो प्यारे से बच्चे हैं, इन्हें देने वाली हूँ मैं ये सामान छोटा सा, देखते हैं कि स्माइल क्या रहता है चेहरे की। चॉकलेट लोगे? इसको चॉकलेट देते छोटा है। हाय बोल दो इसमें, हाय बोलो। हाय बोलो, हाय नहीं बोलेंगे, लो ये हाय बोल दो इसमें, हाय। अभी कोई बोल नहीं रहा है, बच्चे सब आ रहे हैं चॉकलेट वाले, लो। हाय बोल दो। आपने देखा बच्चों के चेहरे पे स्माइलिंग देख के बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह अगले साल मैं ईद पे शायद इससे भी ज्यादा कुछ बड़ा करूँ। अभी छोटी सी मेरी ये ख्वाहिश थी तो वो मैंने पूरी कर ली और अब हम आए हैं ये इस जगह, ये खूबसूरत जगह देखिए हम कितनी प्यारी लग रही है। ये है गंगा जी और हमारे घर के नजदीक था, हमें मुझे तो पता ही नहीं था, अभी बब्बी लेके आया है। और ये इतना ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, बहुत सुकून है यहाँ पर, जैसे कि आप सबको पता ही होगा अगर आप मुझे देखते हैं, तो मुझे सुकून बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऑडियंस भी लाइक, हमें तो सुकून पसंद ही नहीं है, गाने को भी सुकून पसंद है। सो अब हम व्लॉग ये है यही एंड कर रहे हैं। गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर, और मेरी छोटी सी ये जो मेरी सोच थी आप लोगों को कैसे लगे बच्चों के चेहरे पे स्माइलिंग। इंशाल्लाह अगले साल हम फिर और कुछ नया ट्राई करेंगे बुजुर्गों के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, कमेंट्स करिए और बाइकल का बटन दबाना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।